हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस, योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस, अभी चल रहा हमारा वन लाइनर टेस्ट। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? हरित क्रांति के जन्मदाता, आसान सा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपका आज का टेस्ट का आगाज जो है ये आसान क्वेश्चन से हुआ है। तो आई होप कि आप सब आंसर कर पाओ सारे क्वेश्चन के। ये हैं नॉर्मन बोरलॉग, आप सभी को ये आता होगा। ठीक है, हरित क्रांति के कौन है जन्मदाता? यह नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग ये हैं हरित क्रांति के जन्मदाता। ठीक है, बोरलॉग। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है? सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है यह आपको बताना है। सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है? सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है सबसे अधिक चीनी मिल। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर किस नदी पर है? गांधी सागर ये बांध है। ठीक है, गांधी सागर क्या है? गांधी सागर बांध है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर ही है। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध तो ये भी चंबल नदी पर ही है। तो तीन क्वेश्चन आपके यहां से सीधे चंबल नदी से हो गया, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। तो आपको तीनों याद रखना है, एग्जाम में कोई एक आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सभी हैं चंबल नदी पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक जूल कितने अर्घ के बराबर होते हैं? एक जूल कितने अर्घ के बराबर होते हैं? ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, 10^7 अर्घ के बराबर होते हैं। किस सिद्धांत के कारण रात में तारे झिलमिलाते हुए नजर आते हैं? किस सिद्धांत के कारण रात में तारे झिलमिलाते हुए नजर आते हैं? यह है अपवर्तन। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। देखो, आपको यहां पे समझ लेना है, अलग अलग लेयर है एटमॉस्फेयर का। अगर एक बार आप समझ लोगे तो आप फिर भूलोगे नहीं। तारा है यहाँ पे, ठीक है, ये बेचारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, हम लोगों को ऐसा लगता है कभी ये इधर फुदक रहा है, यानी रोशनी इसका इधर उधर हो रहा है, यानी झिलमिल 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 कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां से रोशनी आया, इस लेयर पे पड़ा। ठीक है, इस लेयर पे जब पड़ा तो ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो गया, यानी इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर इस लेयर पे आया, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। और आप यहाँ से देख रहे हो ये तारा यहाँ पे है, कभी इधर ऐसे 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 झिलमिल 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 ये नजर आता है। क्लियर हुआ? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत लेयर हैं, सब लेयर में अलग अलग तरह के गैसेस हैं, सबका डेंसिटी अलग अलग है, इस कारण से रिफ्रैक्शन होना स्वाभाविक है। तो यही कारण है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी हत्या की जाँच किस आयोग द्वारा की गई थी? इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो यह क्या गया था? ठक्कर आयोग। किस आयोग के द्वारा? ठक्कर आयोग के द्वारा इंदिरा गांधी हत्या की जांच की गई थी। अगला क्वेश्चन, फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई? फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना 1953 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, पिछोला झील कहां स्थित है? पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। उदयपुर कहाँ? उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से दो जानवर स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं? दो जानवर है जो स्टॉक मार्केट में हमेशा धमाल मचाते रहते हैं, वो दो जानवर कौन सा है? जानवर यहाँ आपको कंपनी नहीं बताना है, जानवर में जानवर ही बताना है, एनिमल एनिमल। वो कौन से दो
एनिमल हैं जो स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं, आप सभी ने सुना होगा बुल एंड बियर, ठीक है। ये बुल और बियर शब्द जो है यह स्टॉक मार्केट से संबंधित है, तो बुल और बियर ये स्टॉक मार्केट से संबंधित जानवर हैं। अगला क्वेश्चन, भारत अधिकतम मुद्रा अर्जित करता है। अच्छा, यहां से आपके लिए एक क्वेश्चन है, बुल और बियर ये दो जानवर हैं जो स्टॉक मार्केट से संबंधित है, ठीक है। इसमें बुल का मतलब क्या होता है और बियर का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, और आप लोगों में से मैक्सिमम को ये नहीं आता होगा, तो आप क्या करोगे, आप नेट पे सर्च करोगे और फिर आंसर करोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बुल और बियर जो यूज किया जाता है उसका मतलब क्या होता है, यानी किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो। अगला क्वेश्चन, भारत अधिकतम मुद्रा अर्जित करता है किस चीज के निर्यात से, निर्यात यानी एक्सपोर्ट, किस चीज के एक्सपोर्ट, किस चीज को एक्सपोर्ट करके भारत अधिकतम मुद्रा अर्जित करता है, तो यह है रत्न एवं आभूषण, ठीक है। रत्न एवं आभूषण को एक्सपोर्ट करके अधिकतम मुद्रा अर्जित करता है भारत। अगला क्वेश्चन है, कृषि जींस के लिए वह न्यूनतम मूल्य क्या है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। कृषि जींस के लिए वह न्यूनतम मूल्य क्या है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधिप्राप्ति मूल्य। क्या बोलते हैं, अधिप्राप्ति मूल्य, ठीक है। यह अधिप्राप्ति मूल्य क्या होता है, अधिप्राप्ति मूल्य इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। आप लिख लो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है हिंदी में, तो क्या है इसको इंग्लिश में, प्रोक्योरमेंट प्राइस, ठीक है। क्या होता है यह प्रोक्योरमेंट प्राइस, क्या होता है, यह वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है, ठीक है। और एक और चीज यहां से होता है एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जैसे दाल वगैरह का फिक्स किया जाता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, तो दोनों थोड़ा अलग है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक होते हैं, कौन होते हैं, इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर धारक, ठीक है, इक्विटी शेयर धारक होते हैं कंपनी के वास्तविक स्वामी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल से लगभग 1.5 डिग्री का कोण बनाता है, चलिए बताओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल से लगभग कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो यह है 66.5 डिग्री का कोण। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, यह है पृथ्वी, ठीक है, आप जानते हो ये अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, लेकिन ये ऑर्बिट है इसका, ठीक है। इस ऑर्बिट के क्या सरफेस से बात किया जा रहा है, यानी ये सरफेस हो गया आपका ऑर्बिट, ठीक है, और आप जान रहे हो ये जो पृथ्वी टिल्टेड है यहां से टिल्टेड है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल होता है नॉर्मल लाइन, यहां से ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो आपको ये वाला एंगल का बात किया जा रहा था। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे समझा देता हूं ताकि आपको लॉन्ग टाइम याद रहे, आपको इस एंगल का बात किया जा रहा था, और आप जानते हो आपका ये वाला जो एंगल है ये है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, तो जब ये वाला 23.5 डिग्री हुआ तो ये इस एंगल का मान कितना होगा, इसका मान होगा 66.5 डिग्री, और यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि क्या पूछा जा रहा है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल से, यही तो इसका कक्षा है, इसके तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है, क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और समझने वाला क्वेश्चन है। बिच्छू का श्वसन अंग क्या कहलाता है, बिच्छू का श्वसन अंग क्या कहलाता है, तो बिच्छू का श्वसन अंग बुक लंग्स कहलाता है, क्या कहलाता है, बुक लंग्स कहलाता है बिच्छू का श्वसन अंग, क्लियर है, यह मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है बुक लंग्स के बारे में। अगला क्वेश्चन, येलो केक किसको कहा जाता है, येलो केक किसको कहा जाता है,
येलो केक के नाम से इस चीज का स्मगलिंग किया जाता है जो आपको बताना है। तो येलो केक बहुत लोगों ने गोल्ड मार लिया होगा, क्वेश्चन का आंसर वो गलत है। जिसने गोल्ड मारा उनके सर पे पड़ा, 2-3 दिनों से मैंने हथौड़ा नहीं चलाया तो उनके सर पे मेरा ये हथौड़ा पड़ा, प्यारा सा थोर का हथौड़ा जो थोर ने मुझे गिफ्ट किया था, ये हथौड़ा उनके सर पे पड़ा और सर फूट गया उनका। तो येलो केक यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम का स्मगलिंग किया जाता है येलो केक के नाम से। अगला क्वेश्चन है, दादर और नागर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? दादर और नागर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? यह है गुजरात प्लस महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के बीच में स्थित है क्या दादर और नागर हवेली, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1982 को। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? जल्दी बताओ। तो यह है शिव रमन समिति। कौन सा है? शिव रमन समिति, ठीक है, शिव रमन समिति के सिफारिश पर नवाड़ की स्थापना की गई थी। कौन सा समिति? शिव रमन समिति। अगला क्वेश्चन, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीवी दिवस, जल्दी बताओ, विश्व टीवी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? जिस किसी ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आंसर किया उनके सर पे भी पड़ा मेरा हथौड़ा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है और आपको सही आंसर करना था इसका। तो क्या है सही आंसर? यह है अटॉर्नी जनरल। कौन है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये होते हैं भारत के सर्वोच्च विधिक अधिकारी। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा रिवर पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन, निधि फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान का नाम क्या है? क्या है क्वेश्चन? निधि नहीं है, निजी है, ये मुझे लगा क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक है, निजी, निजी फंड से, यानी भारतीय सरकार ने अपने पैसों से अपने प्रयोगशाला के द्वारा एक वायुयान का विकास किया। आपको उस वायुयान का नाम बताना है जो पहला था। क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। तो उसका नाम है तेजस। क्या नाम है? तेजस। अगला क्वेश्चन, जिंक क्लोराइड के विलयन को किस धातु से बने बर्तन में भंडारित किया जाता है? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड को अगर आपको स्टोर करना है तो किस धातु से बने बर्तन में आप स्टोर करोगे जिंक क्लोराइड को? तो यह है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर यानी चांदी, चांदी से बने बर्तन में ही आप जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? पेप्सिन ये एक पाचक एंजाइम है, ठीक है, पचने में हेल्प करता है। इसका उत्सर्जन कहाँ होता है ये आपको बताना है। यह है आमाशय में। कहाँ उत्सर्जित होता है ये? आमाशय यानी पेट यानी स्टोमक में। अगला क्वेश्चन, पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन भरपूर होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, यह है विटामिन ए। कौन सा विटामिन है? ए, जो पालक की पत्तियों में भरपूर होता है। दो चीजें हैं, एक यहाँ पे बहुतों ने आयरन मार दिया होगा, अरे बेवकूफों,
यहाँ पे विटामिन पूछा जा रहा था, आयरन कैसे हो जाएगा, पालक की पत्तियों से आपको आयरन भी मिलता है मुझे पता है, पर यहाँ तो विटामिन पूछा जा रहा था ना, तो विटामिन ए हो जाएगा, इसके अलावे इसमें आयरन भी बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ से आपको कमेंट में मुझे आंसर करके बताना है कि विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, ठीक है, किस चीज को खाकर आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलता है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीला चांद उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, नीला चांद उपन्यास, नीला चांद उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है शिव प्रसाद, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को परेशान किया होगा इस क्वेश्चन ने, शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, शायद आप लोग इसका आंसर नहीं जान रहे थे, ठीक है, नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड एंटीकट नहर किस नदी पर है, ग्रैंड एंटीकट नहर, ग्रैंड एंटीकट नहर कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है ग्रैंड एंटीकट नहर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है, राष्ट्रपति भवन जो है यह एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, आपको बताना है किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जल्दी बताओ, तो यह है रायसीना पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी है, रायसीना पहाड़ी जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। बहुत बार आपने रायसीना डायलॉग सुना होगा, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति भवन से ही संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, गांधी फिल्म बहुत ही फेमस फिल्म रहा, ठीक है, ऑस्कर तक गया, आपको यह बताना है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई, तो उस एक्टर का जो नाम है वो है बेन किंग्सले, क्या नाम उनका, बेन किंग्सले, किंग्सले, बेन किंग्सले थे जिन्होंने गांधी की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा जैन धर्म, क्लियर है, और ये कहाँ स्थित है ये आपको अब बताना है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है माउंट अबू में, कहाँ स्थित है, माउंट अबू में, माउंट अबू जो राजस्थान में है यहाँ पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन, चौथ कर कौन से शासक वसूला करते थे, चौथ कर, तो ये मराठा लोग वसूला करते थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली लाहौर बस सेवा को क्या नाम दिया जाता है, या क्या नाम दिया गया, दिल्ली लाहौर बस सेवा इसको किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद, ठीक है, सदा ए सरहद के नाम से दिल्ली लाहौर बस सेवा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की, कौन थे अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक, ये आपको बताना है, तो ये थे लॉर्ड मैकिनले, कौन थे, सॉरी मैकिनले नहीं, मैकाले, कौन थे, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। अब आपके लिए यहां से एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में आंसर करना है, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी की शिक्षा की जो सिफारिश है वो कब की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन हिस्ट्री से, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश किस वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, ये क्या, विनोबा भावे ने, किसने किया, किसने किया भूदान आंदोलन की शुरुआत, ये किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिमखाना स्टेडियम कहाँ स्थित है, जिमखाना स्टेडियम कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ, जिमखाना स्टेडियम ये स्थित है मुंबई में, कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है जिमखाना स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम भी मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है,
फिरोज शाह कोटला मैदान, बहुतों ने सोचा होगा ऊपर दो मुंबई हुआ तो ये भी मुंबई ही होगा, मार दो तो मैं आपको मार दूंगा अगर आप मुंबई मारोगे तो। मुंबई गलत है, अब बताओ सही आंसर। फिरोज शाह कोटला मैदान तो ये दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला मैदान। अगला क्वेश्चन, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो मान बुकर की पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई। अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? कलिंग पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और मान बुकर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, तो कलिंग पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है उसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सरहुल जो है वह झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, छठ किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? आप सभी को आता होगा ये बिहारियों का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, बिहार का प्रमुख त्यौहार है छठ, और ये बहुत बड़ा पर्व होता है बिहार में, ठीक है, जो बिहार के बाहर से हो अगर वो लोग नहीं जानते हो तो जान लो कि बिहार का जो सबसे आप बोल सकते हो पवित्र एक पर्व है वो है छठ, जिसमें सूर्य देवता की आराधना की जाती है। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? यह फलों के उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा, झींगा मछली होता है ना, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाल क्रांति किससे संबंधित है? याद रखना यहां पे कंफ्यूजन होता है, भूरी क्रांति और एक और है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति ये मसालों से संबंधित है और भूरी क्रांति उर्वरक से। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति तो ये संबंधित है मांस के उत्पादन से, रेड मीट होता है ना, ठीक है, तो रेड मीट से आप याद रखना लाल क्रांति मांस के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर, सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो ये अंडों से संबंधित है, एक से, ठीक है, अंडों से संबंधित है रजत क्रांति, क्लियर है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके इस टेस्ट सीरीज में आया, ठीक है। आई होप कि आप सभी का स्कोर 35 एंड एवव होगा, ठीक है। आज कुछ आसान भी क्वेश्चंस थे, कुछ टफ भी थे, तो इस कारण से 35 और 40 ये मैं आज का टारगेट रखता हूँ, 40 के आसपास आप सभी का स्कोर होना चाहिए। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।